अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से, क्योंकि ये वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे फीचर्स जो है आपको ऐड कर दिए जाते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में, जैसे 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो आप अपलोड कर सकते हो और भी कई सारे फीचर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो चैनल को वेरीफाई करने के लिए आप सिंपली क्या कीजिएगा, वीडियो को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको अगर इस तरीके से कुछ यानी आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पर जो आपको वेबसाइट का URL नज़र आएगा वहाँ पर अगर आप सर्च कर सकते हैं studio.youtube.com, या फिर अगर आपको इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ रहा है यानी ऐसा इंटरफेस नज़र आ रहा है तो सिंपली आप इसको में सर्च कर सकते हैं studio.youtube.com। सिंपली आप स्कोर में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आकर के जैसे ही इसको में आप आइएगा तो अगर यहाँ पे आपसे पूछता है ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर आकर के आप अपना वो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिए जिस ईमेल आईडी पे आपने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है। जैसे मैंने टेक कटिंग डेमो जो है मैंने इसको ऊपर में मैंने अपना चैनल बना रखा है, सिंपली मैंने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंटिन्यू एज टेक कटिंग इसको ऊपर में क्लिक करके मैं यहाँ से कंटिन्यू उसको कर लूँगा तो ये साइन इन करेगा और डायरेक्टली यूट्यूब स्टूडियो में जो है हम लॉग इन हो जाएंगे। तो मैंने जो URL बताया studio.youtube.com आपको ये सिंपली ओपन कर लेना है, यानी इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर बाय चांस डायरेक्टली अगर ये आपको रीडायरेक्ट करता है जो YouTube YT स्टूडियो उसके ऊपर में YT स्टूडियो एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन उसके ऊपर में रीडायरेक्ट करेगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप YT स्टूडियो को पहले अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, उसके बाद में आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिएगा कुछ देर के लिए, क्योंकि ये कभी कभी इशू आ जाता है। लेकिन मेरे पास में अभी इशू नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू टू स्टूडियो पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसमें कंटिन्यू हो जाऊँगा। अभी देखिए ये studio.youtube.com पे जा रहा है और उससे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको यानी ये करते हुए आपको यहाँ पे नज़र आएगा 3 डॉट, सिंपली आप स्क्रोल में क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लीजिएगा। यानी स्क्रोल में आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको नजर आएगा डेस्कटॉप साइट, स्क्रोल में आप क्लिक कीजिए और इसको डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए ताकि ये जो है डेस्कटॉप साइट में दिखेगा तो आपको यहाँ पे मैनेज करना इजी होगा। इतना आपने कर लिया, अब इसके बाद में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बाय चांस आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको जो है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, यहाँ पे आपको अगर आपके चैनल का लोगो नहीं नज़र आ गया फिर आपका चैनल नहीं रहेगा। अगर बाय चांस यानी जो आपका ईमेल आईडी जो है जिस पे आपने चैनल बना रखा है वो अगर नज़र नहीं आएगा तो आप स्क्रोल में क्लिक कीजिए, यहाँ पर आकर के आप स्विच अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना वो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिए जिसके ऊपर में आपने क्या कर रखा है, चैनल बना रखा है। तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि हाँ ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे टेक कटिंग डेमो जो मैंने बना रखा था वही मेरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा इसको रहने दूँगा और इसको मैं सेलेक्ट करके छोड़ दूंगा, ठीक है। अभी देखिए इसने रिडायरेक्ट किया, रिडायरेक्ट कर करके अभी देखिए रिडायरेक्ट करके फिर से यहाँ पे ले आया। अगर रिडायरेक्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं होता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको YT स्टूडियो जो है वो अनइंस्टॉल करना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको आना यहाँ पे सेटिंग्स में, यानी बेसिक सी बात है, यहाँ पर आपको नजर आएगा सबसे नीचे में आप देखिएगा बाएं साइड में सबसे नीचे में आपको नजर आएगा सेटिंग्स का एक गियर का आइकन नजर आएगा, आप इसको में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद में इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो दोनों उंगली से आप जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा तो आपको नजर आएगा चैनल, आप स्क्रोल में क्लिक कीजिए। अभी देखिए मैं आपको लिमिटेशंस बताता हूँ, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है फीचर एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए आप फीचर्स दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन, जिसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें रिलेटेड है यहाँ पे फीचर्स से वो आपको तभी मिलेगा, यानी जैसे कि कस्टम थंबनेल लगाना, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड करना, तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे आप ये जो है मोबाइल नंबर फ़ोन वेरिफिकेशन आपको करना ज़रूरी होगा जो कि रिक्वायर्ड है। तो इन सब फीचर्स का फ़ायदा उठाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको नज़र आएगा एलिजिबल, सिंपली आप स्कोर में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आकर के जैसे इसको थोड़ा सा उसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो आप उस एरो पर क्लिक करते हैं आपको नज़र आएगा वेरीफाई फ़ोन नंबर, सिंपली आप स्कोर में क्लिक कीजिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है वेरीफाई फ़ोन नंबर, आप स्कोर में क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो है वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा और फिर से रीडायरेक्ट करेगा आपको ब्राउज़र के अंदर में, तो इसके लिए आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद में जो है आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर करना है, सबसे पहले आपको बताएगा कि टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड या फिर कॉल मी विद एन ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज, तो आपको ये चाहिए या फिर वो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट मी द वेरीफिकेशन कोड, मैंने उसको सेलेक्ट किया, जिस भी कंट्री में वो ऑटोमेटिक कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा, अगर कंट्री सेलेक्ट नहीं होता तो आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा जो भी कंट्री आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जैसे मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके देख लेता हूँ लेता है या नहीं लेता है, तो मैंने इंटर किया। जैसे आप मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा उसके बाद आपको नजर आएगा गेट कोड, सिंपली आप गेट कोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको नजर आएगा गेट कोड, आपने स्कोर में क्लिक किया,
जैसे आप गेट कोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में एक ओटीपी जाएगा, तो मेरे मोबाइल नंबर पे, ये जो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया है उस पर एक ओटीपी जा चुका है, तो यहाँ पे वो ओटीपी मुझे इंटर करना होगा। तो जैसे ओटीपी आता है मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। याद रहे आपको एक मैसेज गया होगा, एक नॉर्मल मैसेज जाएगा जिस पे आपको 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड नज़र आएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे नज़र आ जाएगा यहाँ पे मुझे 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड जो है मुझे मैसेज में आ गया, जो कि है 1555 48। क्या है? 1555 48। उसके बाद में आपको सिंपली करना क्या है, सबमिट बटन आपको नज़र आ रहा है, सिंपली आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ये फ़ोन नंबर वेरीफाइड ये आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे यहीं पे URL पे जाना है, यानी ये जो URL नज़र आ रहा है इसके ऊपर में क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे टाइप कीजिए studio.youtube.com, इसके ऊपर में सर्च कीजिए, यानी इसको टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद में यानी फिर से आप यहाँ पे आप स्टूडियो में चले जाइएगा, और फिर से जब आप सेटिंग्स में जाइएगा तो यहाँ पे आप देखिए क्या बताएगा। मैं यहाँ पे सिंपली गियर वाला आइकन पे जो मैं क्लिक करूँगा, मैंने इसके ऊपर में क्लिक किया, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ चैनल के अंदर में, अब मैं जाऊँ अगर फीचर्स एलिजिबिलिटी में, तो यहाँ पे देखिए इनेबल्ड नज़र आ रहा है। इनेबल्ड नज़र आएगा इसका मतलब ये है कि आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई कर लिया है। तो इस तरीके से नज़र आता है, यहाँ पे देखिए वेरीफाई फ़ोन नंबर जिसके ऊपर में सही का निशान है। तो सही का निशान है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने मोबाइल नंबर जो अपना सक्सेसफुली वेरीफाई कर रखा है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करूँगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको यूट्यूब टिप्स ट्रिक्स और किस तरीके से ग्रोथ हासिल करना है, अगर इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही कोई भी नई अपडेट्स या फिर नए टिप्स आएंगे मैं आपको साथ में शेयर कर दूंगा, नए ट्यूटोरियल आएंगे मैं उसको आपके साथ में शेयर कर दूंगा, यानी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हाँ आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए और आप अपना भी ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।